बच्चों गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यह भी एक इंसेक्टिवरस प्लांट है। आप देख सकते हैं कि इस प्लांट की पूरी पत्ती एक घड़े का रूप ले ली है। इसके ऊपर एक फ्लैप है, इसको निपेंथीज कहते हैं, निपेंथीज खैसियाना। यह पिचर प्लांट भी कहा जाता है। ये पौधा जमीन पे ग्रो करता है, जमीन पे उगता है, लेकिन ऐसी जगहों पे उगता है जहाँ नाइट्रोजन कंपाउंड की कमी है। तो अब नाइट्रोजन कंपाउंड की कमी को पूरा करने के लिए क्या करता है, अपनी कुछ पत्तियों को घड़े जैसा बना देता है, पीचर जैसा। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल एक घड़ा जैसे है पूरा ये, और यहाँ पे ढक्कन जैसे लीफ का लीफलेट जो है एपिक्स का ढक्कन बन गया। ये पूरा आप देख सकते हैं ये एक घड़े जैसा है ना, इसमें देखिए बिल्कुल घड़े जैसा है, अंदर जगह है। अब यहाँ पे कुछ सिक्रेटरी मटेरियल सिक्रीट करता है और वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे ही इंसेक्ट इस घड़े पे आएगा, यहाँ घड़े की सतह पे आएगा, और ये ढक्कन इनका बंद हो जाता है, और इंसेक्ट निकलना भी चाहे तो भी नहीं निकलेगा, क्योंकि सिक्रेटरी मटेरियल स्थापित किया है, और नीचे सिंक हो जाता है इस घड़े में, पिचर में। और पिचर के अंदर नाउ इट विल सिक्रीट डाइजेस्टिव इंजाइम। यह डाइजेस्टिव इंजाइम को सिक्रीट करके अंदर ही उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर देगा, और जब डाइजेस्ट कर देगा तो उसके शरीर में जो प्रोटीन है वो एमाइनो एसिड में बदल जाएगा, और वो एमाइनो एसिड को ये एब्जॉर्ब कर लेता है और अपना ग्रोथ करता है। तो आप देखिए कितना ज़बरदस्त एडाप्टेशन इस पौधे में है कि ये नाइट्रोजन जहाँ नहीं है कंपाउंड वहाँ पर उगता है, और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट को ही इंगल्फ कर, इंसेक्ट को ही डाइजेस्ट कर उससे प्रोटीन एमाइनो एसिड लेने की कोशिश करता है। तो इस तरह से यह इंसेक्टिवरस प्लांट है, इसका नाम है निपेंथीस खैसियाना, या इसको पिचर प्लांट भी कहते हैं। तो इस तरह के अद्भुत पौधे भी इस धरती पे हैं जो इंसेक्ट को खा करके अपने नाइट्रोजन कंपाउंड की कमी को पूरा करते हैं, उनको डाइजेस्ट करते हैं, और फिर उनसे नाइट्रोजन कंपाउंड एमाइनो एसिड को लेते हैं अपना ग्रोथ के लिए। तो निपेंथीस खैसियाना, या इसको हम पिचर प्लांट कहते हैं। थैंक यू वेरी मच।